हेलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं ऑसिलेशन, जो कि जेई नीट के प्रॉब्लम के हिसाब से आपके लिया गया, बच्चों के डाउट लिए गए हैं। तो आपके पास भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ये 2007 में नीट में आ चुका है। अ मास ऑफ 2 kg इज पुट ऑन ए फ्लैट पैन अटैच्ड टू ए वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन ए ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। द मास ऑफ द स्प्रिंग एंड द पैन इज नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल है। When pressed slightly and released, the mass executes simple harmonic motion. The spring constant is 200 newton per meter. What should be the minimum amplitude of the motion so that the mass gets detached from the pan? ठीक है ना? Minimum amplitude कितनी होनी चाहिए ताकि ये mass थोड़ा pan से ऊपर उठ जाए, detach हो जाए, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, कहाँ से start करनी चाहिए? स्टार्ट करनी चाहिए कि चलो मान लेते हैं ये हमारा नेचुरल लेंथ वाला स्प्रिंग है, ऐसे वर्टिकल। तो अभी नेचुरल लेंथ में अपने हैं, हमने इसके ऊपर अगर कोई मास रख दिया, अगर हमने कुछ मास रख दिया तो ये एक अमाउंट से नीचे आ गया, ठीक है ना? तो एक अमाउंट से नीचे आ चुका है ये। तो अगर हम लोग फर्दर इसको और प्रेस कर दें तो ये और नीचे आएगा, यहां पे प्रेस करके छोड़ेंगे तब ये ऑसिलेट करेगा, राइट? हमने सिर्फ यहां मास को रख दिया है तो वो तो नीचे आ जाएगा, कितना नीचे आएगा ये भी देख लेते हैं। नीचे आएगा तो यहां क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स kx लगेगा ऊपर और इसका वेट mg लगेगा नीचे। ये कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा, रेस्ट करेगा। तो हम लिख सकते हैं अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, mg इज इक्वल टू kx लिख सकते हैं। मास 2 kg है, जी 10 ले लो, के 200 है और ये x है, x मिल जाएगा मुझे 0.1 meter, इतने पे वो झुक गया, चलो अच्छी बात है। अब जब ये ऑसिलेट करेगा तो डिटैच होने के लिए क्या कंडीशन है, इसको डिटैच होने के लिए क्या कंडीशन है, तो आपको कंडीशन को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, कि कोई अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू x, ये जो फोर्स है ये mg से ज्यादा होना चाहिए। ये जो फोर्स है स्प्रिंग वाला, ये तो ऊपर लगेगा और ये mg नीचे लगेगा। अगर डिटैच होना है तो ऊपर का फोर्स स्लाइटली, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आप ले सकते हो, ऊपर जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे वो इस कंडीशन में होनी चाहिए, तो बॉडी इज अबाउट टू डिटैच, राइट? इस कंडीशन को समझ जाओ तो काम खत्म है। तो x यहां पर है मेरा मैक्सिमम यानी कि एम्पलीट्यूड, तो आप x को ना a दिखा सकते हो ऐसा, a, so a will be greater than equal to mg upon m omega square, ऐसे आप लिख सकते हो। अब ओमेगा क्या होता है हमें पता ही है, m ओमेगा स्क्वायर को लोग k लेते हैं ना, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, k by m हो जाएगा, ठीक है ना? मैं मान के चल रहा हूं आपको इतना आता है बेसिक्स। तो यहां पे मेरे को मिल गया a greater than इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर है के बाई एम, दैट मीन्स जी के बाई एम। अब ये एम ऊपर जाएगा तो एम जी बन जाएगा, और एम जी बन के 20 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 meter। तो ये क्या आ रहा है, 20/200 आपको दिख रहा है ना, 20/200, राइट? इस कंडीशन में ही हम लोग काम कर रहे हैं अभी तक। मैं तो साफ साफ लिख दूं, m ओमेगा स्क्वायर a ग्रेटर देन इक्वल टू mg, तो ये आपका mm कट गया, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, बिल्कुल इसी इनक्वालिटी को सॉल्व कर लो, दिस इज g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि g की वैल्यू 10 ले लो, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है k बाई m, तो k तो है मेरे पास 200 है k और मास 20 है, तो ये 10 हो गया, k क्या है, k is 200, mass 2 kg, sorry, mass is 2 kg, तो ये 100 हो गया, omega square 100 हो गया ऐसा, that means ये 0.1, तो a क्या होने चाहिए, 0.1 या उससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, 0.1 meter यानी कि 10 सेंटीमीटर से या उससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तो यहां पर आप टिक मारोगे ऑप्शन ए। हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर पे आप टिक मार सकते हो, ठीक है बच्चों? प्लीज मेक ए नोट।